प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साबत सालों में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकांड माई फिर से मेरे मित्रों परमेश्वर की वचन मैं लेके आया हूँ आपके बीच में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था आवश्यकता है एक प्रज्वलित हृदय, और हमने देखा था क्या आप और हम बल और सामर्थ की लालसा करते हैं तो परमेश्वर से मांगे। आज का जो विषय है मेरे मित्रों, आपके ऊपर आत्मा का उतरना या ठहरना। आत्मा का उतरना और ठहरना वह हमारे पर निर्भर करता है, आज का विषय है। बाइबल के इतिहास में यहोवा प्रभु के आत्मा का परमेश्वर के चुने हुए अगुओं और विश्वास योग्य दास दासी पर आने का या उतरने का बल दिए जाने का बहुदाइत से उल्लेख किया गया है मेरे मित्रों। अब हम लोग देखते हैं ओत्नियल के ऊपर यहोवा का आत्मा समाया उतरा और वह इसराइल का न्यायी बन गया। हम लोग देखेंगे न्यायियों 1:11-15। आइए प्रार्थना करते हैं उससे पहले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर जो थे जो हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु परमेश्वर अभिषेक करें, और एफिसी 1:17 के अनुसार ज्ञान और बुद्धि का प्रभु परमेश्वर प्रकाश के आत्मा दे कि आपके वचन को प्रकाशमान हो, और परम प्रधान परमेश्वर और हरेक पर उदय होने पाए और तेरी ज्योति में चमकने पाए, और मसीह यीशु का इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा हरेक भाइयों बहनों सुनने वाले संतगण और मेरे जीवन में भी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण करें पिता, आमेन। तो मेरे मित्रों यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वहां से उसने जाकर दबीरा के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीरा का नाम तो पूर्व काल में क्रियत सेपेर था। जब कालेब ने कहा जो क्रियत सेपेर को मार के ले ले उसमें मैं अपनी बेटी आक्षा का विवाह कर दूंगा, इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओत्नियल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी आक्षा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्नियल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता के कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी, तब कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती है। वह उससे बोली मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दिए। मेरे मित्रों ओत्नियल के ऊपर यहोवा का आत्मा समाया उतरा और वह इसराइल का न्यायी बन गया। युद्ध करने गया और 40 वर्ष की एक शांति स्थापित हुई। वह क्यों शत्रु को पराजित कर सका? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आत्मा थी, जबकि उसके पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी। उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ होने के कारण ओत्नियल द्वारा दबीरा पर विजय हुआ, जो कि दबीरा का नाम क्रिय सेपर था। मेरे मित्रों उस पर विजय हुआ। आज मेरे मित्रों हमें भी दबीरा और क्रिय सेपर को हमें भी विजय करना है। जब उसने विजय किया तो अपने परिवार और विवाह के संबंध को भी मजबूत किया, और उसको उसका वो देश भी उसने उस भूमि को भी लिया, कालेब से अपनी बेटी भी ली। कालेब ये वो था जो कि यहोशू और कालेब जो कनान देश में भेदी बनकर गए थे, जो कि 12 गोत्रों में से वही दो जो यहोशू और कालेब
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो समाचार लेकर मूसा के सम्मुख लौटे थे, ये दोनों व्यक्ति थे, उसमें से वो कालेब था। परंतु कालेब ने जिस प्रकार से जिक्र किया, उसी प्रकार से ओत्नील ने क्रियत से पेर पर क्रियत से पेर पर विजय पाया, और विजय पाने के बाद उसने अपने लिए परिवार को लिया, और कालेब उसने उस विजय भूमि को तो लिया, परंतु उसने जो अपनी पत्नी के द्वारा आक्षा के द्वारा पीने वाले पानी के ऊपर नीचे का सोते भी लिया। इस प्रकार से यहाँ आशीर्वाद मांगा गया बोल के कहा गया है। मेरे मित्रों, आज हमें लड़ाई है, हमारे जीवन में लड़ाई है। कैसा लड़ाई है? पहले जब तक हम मसीह में नहीं थे, तब तक हम आप और मैं अंधकार में थे, अंधकार के घाटी में थे। हमें अंधकार से ज्योति में लाया गया है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और बलिदान होने के बाद हमें मृत्यु के घाटी में से जीवन की ओर लाया गया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। इस कारण मेरे मित्रों, आज जिस प्रकार क्रियसेपर ने जो ओत्नील ने विजय पाई थी, उसी प्रकार हमें भी मसीही जीवन में विजय पाने की आवश्यकता है। अब कैसे आवश्यकता है? जबकि उसके पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ होने के कारण उसने ओत्नील द्वारा दबीरा पर विजय हुआ। ओत्नील द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, और ओत्नील ने परमेश्वर की इच्छा पूरी किया, और वो विजय हुआ और आशीर्वादी हुआ, और 40 वर्ष तक वो नहीं ठहरा और शांति स्थापित की। आज मेरे मित्रों, विजय के पास शांति स्थापित करना है हमें, क्योंकि हमारा लड़ाई जारी है। अब हमारा लड़ाई कैसे जारी है, हम देखते हैं Ephesians 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। आप और हम जिस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं, किसी आदमी से और किसी लहू वाले, किसी मांस वाले व्यक्तियों से और किसी खूनखार जानवरों से हम नहीं लड़ रहे हैं मेरे मित्रों। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से बिल्कुल नहीं है, परंतु प्रधानों से अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से है, जो कि हमें अंधकार से ज्योति में लाया गया है। लेकिन हम अंधकार से ज्योति में तो लाए गए हैं, लेकिन अंधकार से ज्योति में आए हैं, अंधकार से अलग हुए हैं, ज्योति में आकर अंधकार से अलग होकर ज्योति में आए हैं, और मृत्यु से अलग होकर जीवन की ओर आए हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जब तक हम पृथ्वी में रहेंगे, तब तक हमें एक लड़ाई को, एक मलयुद्ध को लड़ना है, क्योंकि ज्योति और अंधकार एक संग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें उस अंधकार को लड़ के ज्योति में परिणत करके करना, और मृत्यु से लड़ के जीवन में परिणत करना है। और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आत्मिक सेनाओं से भी है। यह हमारा लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है, और यह लड़ाई लहू और मांस से, किसी व्यक्तियों से, किसी खूनखार जानवरों से नहीं है। परंतु इस लड़ाई को विजय पाने के लिए प्रश्न है, अब हम करें तो क्या करें? आइए आगे पढ़ते हैं, इस लड़ाई को हम कैसे विजय पाएंगे। अब मेरे मित्रों, Ephesians 6:13-17 में 17 तक पढ़ते हैं, लेकिन पहले 13 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ये बुरा दिन कौन सा है, क्या है मेरे मित्रों, उसका क्या सामना करना है? अब हम अंधकार से ज्योति में आ गए हैं, और मृत्यु से जीवन की ओर तो आए मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा और यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। ज्योति मसीह है और जीवन भी मसीह है, परंतु हमें एक लड़ाई लड़ना है।
तो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। किससे लड़ने के लिए? कि वही आत्मिक की सेना के लिए, वो दुष्टता जो आकाश में परिभ्रमण कर रहा है, बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे मित्रों, ओत्नियल ने सब कुछ पूरा करके वो स्थिर रहने के लिए अपने नैहा दुल्हिन को आक्षा को, जो कालेब की बेटी को लेकर वो शांतिमय जीवन को और स्थिर और रह सको, उसने स्थिरता पाई। परंतु विजय के बाद उसी प्रकार यहाँ बोलता है स्थिर रह सको, पूरा करके क्या करना है, पूरा करके स्थिर रह सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब स्थिर रहने के लिए वो सारे हथियार क्या है मेरे मित्रों, बांधना है। परंतु हमारा लड़ाई न तो लहू से है न तो मांस से है, परंतु आत्मिक की जो सेना से है, और एक दो नहीं, वो अंधकार दुष्टता आत्मिक की जो आकाश में दिन रात परिभ्रमण कर रहा है, जो आकाश में है, उस सेना से लड़ाई है। तो मेरे मित्रों, इसमें लड़ने के लिए हमें हथियार से लैस होना है। वो हथियार से लैस होने का हथियार क्या क्या है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, मेरे मित्रों पहली बात तो सत्य से हमें अपना कमर कस लेना है। विजय के लिए हमें बहुत से झूठ, बहुत से बातें, बहुत से ठोकर के कारण, बहुत से जो हमारे शरीर और प्राण के विरुद्ध में है, वो बातें हमें झूठलाने के लिए बहुत से बातें आ जाती है, छोटे हो बड़े हो, क्योंकि झूठ का जो है साइज नहीं होता है, बड़ा हो या छोटा परमेश्वर की नजर में। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांध लेना है, क्योंकि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो मसीह यीशु है। मेरे मित्रों, वो सत्य भी कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ बोलता है, और धार्मिकता की झिलम पहन कर। अब मेरे मित्रों, धार्मिकता के झिलम, धार्मिकता का जो झिलम है, हमें जो अपने सीने में पहन लेना है, जो कि एक योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए, मलयुद्ध करने के लिए वो क्या पहनता था, एक पीतल का झिलम पहनता था, जो कि तलवार उसके सीने में भोका जाए या उसके सीने में किसी खंजर वो भोका जाए तो उसमें पार न हो और उससे पिछल जाता था, उसी प्रकार। परंतु अभी धार्मिकता का झिलम पहन लेना है, क्योंकि हमारे हृदय में बार बार वार करता है, जो कि दुष्ट जो आकाश में परिभ्रमण करता है, जो आत्मिक सेना से हमें लड़ाई करना है। दूसरा है धार्मिकता का झिलम, जो कि मसीह यीशु जिस दिन जी उठा, हम विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर धार्मिकता का झिलम आ जाता है, वो भी मेरे मित्रों मसीही यीशु है। पान कर, और यशायाह 11 का 5 भी आप पढ़ सकते हैं, यशायाह 59 का 17 भी पढ़ सकते हैं, ये झिलम के बारे में कहा गया है। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर, मेरे मित्रों कहा गया है कि, और पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते, आज सुसमाचार के जूते जो कि मेल मिलाप करने वाले, धन्य हो मेल मिलाप करने वाले, वो कौन है? परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। तो मेरे मित्रों, आज मेल मिलाप का जो सुसमाचार है, जो परमेश्वर पिता से हम दूर हुए थे, मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा पिता से हमें मेल मिलाप किया है, और अंधकार से निकाल कर ज्योति के साथ मिलाप किया है, मृत्यु के घाटी में से निकाल कर हमें यीशु मसीह के साथ, जीवन के साथ मेल मिलाप किया है, वही हमारे
पास जो सुसमाचार मेल मिलाप पिता से मेल मिलाप के सुसमाचार हमारे पास है, इसीलिए आपके पास मैं ये गवाही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं यही विश्वास करता हूँ, अब जानता हूँ, और यीशु मसीह मुझे मृत्यु में से जीवन दिया है और अंधकार से ज्योति मिलाया है। और जो मेल मिलाप का जो सुसमाचार भी हमारा मसीह यीशु ही है, उसको भी हमें पहन लेना है, उसको भी धारण कर लेना है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मेरे मित्रों, इस सब तीनों चीज के बाद हमें विश्वास के ढाल भी लेना है, जो कि ढाल कोई तलवार मारता था तो उसको रोक कर अपने तलवारें चलाते थे युद्ध में योद्धा लोग। तो उसी प्रकार आज जो ढाल पीतल का होता था, जो ढाल कांसा का होता था, वो ढाल बहुत मजबूत होता था, परंतु आज का जो ढाल है वो विश्वास का ढाल है। जिस दिन मसीह यीशु को आप विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता और मुझे जीवन देने वाला, स्वर्ग देने वाला, जिस दिन विश्वास करते हैं, उस दिन विश्वास के ढाल आप पहनते हैं, उस विश्वास को ढाल को लेकर आपको स्थिर रहना है, क्योंकि आपके विश्वास को गड़बड़ाने के लिए ढाल लेने से क्या होगा। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, विश्वास के ढाल लेकर आपको और हमको हलचल करने का जरूरत नहीं है, उस विश्वास के ढाल लेकर एकदम स्थिर रहना है विश्वास के साथ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे मित्रों, जब हम विश्वास के ढाल लेते हैं तो हमारे जो कि हृदय में, मन में बहुत से बातें हैं, जो कि शारीरिक लालसाएं हैं, प्राण की इच्छाएं हैं, मन में घुसते रहता है, लेकिन वो अग्निवान के द्वारा जैसा चूपता है हमारे पड़ोसी के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, परंतु जब हम विश्वास के ढाल जो स्वयं मसीह यीशु है उस पर विश्वास करके जब स्थिर रहते हैं, तो तुम उस दुष्ट के सब, जो दुष्ट है, जो आकाश में परिभ्रमण करता है, जो सेना, जो शासक है, जो आत्मी की सेना पाले रखे हुए है, वो आपको बहुत दुष्टता का जो क्या करेगा, अग्निबाण का जो तीर चलाएगा, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उस ढाल में आकर रोकेगा। वो जो ढाल है, जो मसीह यीशु है, जो कि उस ढाल को छेद करने के लिए अभी स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है, जो कि यीशु मसीह को न तो अंधकार, न तो मृत्यु कोई छेद नहीं सकता है, और यीशु मसीह स्वयं हमारा ढाल बन जाता है, तो हमारे हृदय में चुभने वाले, क्षमा न करने वाले बहुत से बातें होती हैं, उसको हम पूरी रीति से उस ढाल को लेकर स्थिर रहते हैं, जो अग्निबाण जैसा तीर हमारे हृदय में चुभते हैं वो नहीं चुभेगा, क्योंकि मसीह यीशु स्वयं हमारा ढाल रहेंगे, और उस ढाल को छेद करने के लिए न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी में किसी के पास उस तीर बना ही नहीं है, मैं ये विश्वास करता हूँ। और उद्धार का टोप ले लो, उद्धार का टोप। मेरे मित्रों, जैसे कि अभी के डेट में हम गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, और जो सिपाही लोग बॉर्डर में जाते हैं उनको हेलमेट मिलता है, जो कि बुलेट प्रूफ जो हेलमेट मिलता है, बुलेट भी छेद नहीं कर सकता है, उसी प्रकार हमें उद्धार का टोप पहन लेना है, जो वो भी कौन है, वो मसीह यीशु ही है, जो उद्धार के टोप पहन लेना है, जो कि हमारे दिमाग में जितने भी बात है, दिमाग से अटैक होती है, बेविचार, पाप, लालसाएं, अभिलाषा, जो कि पहले हम आंख से देखते हैं और दिमाग में घुस जाता है और हृदय में बस जाता है, उसके बाद हम कुछ भी हो कार्य कर बैठते हैं, लेकिन हमें उद्धार का टोप लेना है, और वो टोपी पहनने के बाद, वो हेलमेट पहनने के बाद हमें कोई भी बुलेट और कोई भी एक्सीडेंट, दुर्घटना में पहले
हमारा सिर छेद करने से पहले उस हेलमेट को फोड़ना पड़ता है, तभी हमारा सिर फूट सकता है। उसी प्रकार यीशु मसीह ही वो उद्धार का टोप है। जब उसको हम सिर में पहन लेते हैं तो मेरे मित्रों, अभी तक मसीह यीशु का जो उद्धार का टोप जो हमारा यीशु मसीह को छेद करने के लिए, यीशु मसीह को तोड़कर हमारे सिर में छेद करने के लिए किसी का हिम्मत न तो स्वर्ग में न पृथ्वी में मैं विश्वास करता हूँ कोई नहीं है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो मेरे मित्रों, आत्मा का जो तलवार है परमेश्वर की वचन है वो ले लो, क्योंकि आत्मा का तलवार इसलिए लेना है हम जब पांचों हथियार से पांच जगह से पूरी रीति से लैस हो जाते हैं और उस हथियार को धारण कर लेते हैं, परंतु वो पांच हथियार तो हमारे बचाव के लिए है, जैसे कि हमारे बचाव के लिए है वो न, जैसे कि हमारे बचाव के लिए कौन सा हथियार है न, और यह हथियार है सत्य के अपनी कमर में बांध लेना, कमर कस लेना, और धार्मिकता की झिलिम हमें सीने में ले लेना, और हमारे पास और पांवों में मेल का जूती जब पहन लेते हैं, जूता पहन लेते हैं, बूट पहन लेते हैं, और हम सब विश्वास उसके साथ साथ विश्वास के ढाल ले लेते हैं, उसके बाद में जिससे कि दुष्टा के हर एक अग्निबाण हम पर प्रभाव नहीं डालेगी, और हम उद्धार का टोप जब पांचों हथियार से हम सिर से पैर तक लैस हो जाते हैं, तो हमें मेरे मित्रों वो दुष्ट के हर एक बातों को रोकने के लिए पांच हथियार है। लेकिन यह है परमेश्वर का क्या है, आत्मा की जो कि और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की वचन है वो हमें लेना है। उससे हमें पांच हथियार से हम सुरक्षित पा सकते हैं। तो छठा जो हथियार है जो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, उससे हमें प्रहार करके विजय लाना है मेरे मित्रों, हमें विजय करना। हालेलुया। इसलिए छठा हथियार जो कि हमारा मेरे मित्रों, ये पांच हथियार हमें कैसे प्राप्त होगा, पहला हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना हमें करना होगा, और दूसरी बात है हमें परमेश्वर की आराधना और मध्यस्थता की प्रार्थना पर्सनल प्रार्थना में समय व्यतीत करना होगा, और तीसरी बात है हमें लगातार वचन को पढ़ना होगा और वचन को समझना होगा और वचन में चलना होगा। वही वचन के द्वारा दुष्टता को हम जवाब दे सकते हैं। वही आत्मा का तलवार जो तलवार परमेश्वर का वचन है उसे हमें लेना है, और पांच हथियार से हमें लैस होना है, पूरी रीति से शरीर को धारण शरीर में धारण कर लेना है, शरीर को ढक लेना है। छठा हथियार से हमें वार करना है जो कि परमेश्वर का जीवित और जिंदा वचन है, जैसे कि ऐसा है 49:2 और हिब्रानी 4:12 और ऐसा है 59:17 के अनुसार ये हथियार है मेरे मित्रों। और आइए अब हम पढ़ते हैं कुलुसियों 11:14 तक, यहाँ पर और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवान होते जाओ। मेरे मित्रों क्या बोलता है यहाँ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, ये सारे परमेश्वर की महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। बलवंत होने जाना है एक प्रकार से नहीं, सब प्रकार की शक्ति से, एक प्रकार की शक्ति से नहीं। थोड़ा सिर दर्द हो गया तो चंगा मिला तो विश्वास कर रहे हैं, थोड़ा कुछ हुआ तो विश्वास कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हर एक प्रकार की शक्ति से और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की महिमा का सब प्रकार की सामर्थ से हमें बलवंत होना है, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यहाँ पर मेरे मित्रों दूसरा बात क्या बोलता है, यहाँ तक कि आनंद के साथ, कोई कर काप नहीं है मेरे मित्रों, ये प्रार्थना आराधना वचन पढ़ना मसीहों के आप चुपचाप से बैठ सकते हैं, कोई कर काप नहीं, ये आनंद के साथ जिसको करते हैं उसको मिलता है। यह
तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्या करो, पहले तो आनंद के साथ और हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता क्या कर सको, दिखा सको। हमसे हर प्रकार के आनंद दिखना चाहिए और हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता हमें दिखना चाहिए। पहले तो आनंद, दूसरा धीरज और तीसरा सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो। किसका धन्यवाद करते रहो? पिता परमेश्वर के धन्यवाद करते रहो। क्यों करना है? क्योंकि यहां लिखा है, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। मेरे मित्रों, क्या हो, हम लोग अंधकार से ज्योति में निकाला पिता ने अपने इकलौता पुत्र को बलिदान करके और उसको मृत्यु में से जिलाया और उसको स्वर्ग में उठा ले गया। परमेश्वर यीशु मसीह चला गया, पिता के दाहिने बाँह में बैठा और हमें प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा भेजा। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हमें मिला, इसीलिए उसमें अपने इकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। उसके साथ साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा पिता परमेश्वर? इसलिए उसका धन्यवाद करो। यहां बोलता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। किस योग्य बनाया? कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। और थोड़ा देर पहले हम कहां थे? अंधकार में थे, जो कि मसीह यीशु को नहीं जानते थे, जो कि अपने पाप में पड़े हुए थे, अपने पश्चाताप नहीं करते थे, बेवकूफी में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, जो समझ में आता था वही करते थे, लक्ष्य नहीं था, मार्ग सत्य जीवन नहीं था, पुनरुत्थान जीवन नहीं था हमारे पास, अब है। इसीलिए वो अंधकार से हम लोग ज्योति में आए हैं, तो पवित्र लोगों के साथ क्या करो, निराश करो, निराश में सहभागी हो। हमें संगति, स्तुति, आराधना, प्रशंसा में सहभागी भी होना है, पर्सनल प्रार्थना, विनती, आराधना, बाइबल स्टडी के साथ साथ। उसने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। क्या कराया है पिता ने हमें? उसने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। मेरे मित्रों, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। इसीलिए आज हमें एक लड़ाई को, हम लोग अंधकार से ज्योति में आए हैं तो हम अंधकार से लड़ के विजय होना है, और मृत्यु से जीवन की ओर आए हैं तो अभी हमें मृत्यु के ही घाटी में हम लोग, उसके अलग हम हुए हैं लेकिन उसी बीच में है। अंधकार से हमें अलग किया गया है लेकिन हम उसी के बीच में है, हम संसार में है और आकाश में परिभ्रमण करने वाले जो आत्मिक सेना के बीच में है। हमें लड़ना है, हमें विजय होना है, और उस विजय होने के लिए हमें लगातार परमेश्वर की इच्छा को, मेरे मित्रों, पाना है। क्योंकि मेरे मित्रों, यहाँ जिस प्रकार से हमें परमेश्वर से इसकी मांग करना चाहिए कि हम इसे पाएं, हम अपनी मानवीय प्रयासों तथा बुद्धि के ऊपर बहुत अन्य रूप से निर्भर रहने से निरंतर खतरे में हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के आत्मा के प्रकटीकरण का भेद हमारे अंदर मांगना है। लुका 11:13 के अनुसार मांगना है, क्योंकि यहाँ लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, पिता जब पवित्र आत्मा को भेजता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन हथियार कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कब हथियार से लैस होना चाहिए, ये सारे बात
हमें समझ में आता है मेरे मित्रों। और परंतु ये सारे चीज हमें मिलते क्यों नहीं है? हम लालसा तो करते हैं, हम मांगते तो हैं, मिलता क्यों नहीं है? अभी हरेक विश्वासी, हरेक बहुत से अगुए जन को ये सब बातें क्यों नहीं मिलता है? क्यों ठंडापन है? क्यों निराश में है? क्यों हताश में है? क्यों परेशान में है? क्योंकि याकूब क्या कहता है मेरे मित्रों, याकूब को पढ़ेंगे 4:2, तुम लालसा तो रखते हो, हम लालसा तो रखते हैं, बोलता है तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हारे तुम्हें मिलता नहीं है। तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मेरे मित्रों, हम आज लालसा तो करते हैं और तुम्हें मिलता नहीं है। याकूब कहता है तुम हत्या और डाहा करते हो। मेरे मित्रों, आज हम सच में हत्या तो नहीं करते, मसीह में हत्या करना पाप है तो बोलते हैं, लेकिन आज क्या अंधकार में घाटी में पड़े हुए भाई को सत्य से कमर कस कर सत्य के साथ स्वतंत्र कर रहे हैं? क्या मृत्यु के घाटी में पड़े हुए भाई बहन को सत्य से कमर कस कर क्या स्वतंत्र कर रहे हैं सत्य के साथ? प्रश्न है। और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और कुछ हमें हासिल नहीं होता, प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों? तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। क्या करते हैं हम? मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए, और प्रभु की सेवकाई नहीं, मेरा हमारा, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्या बाइबल झूठ बोलता है? परमेश्वर का वचन, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम लोग लड़ने झगड़ने में, हम लोग हत्या में, हाँ, व्यस्त हैं मेरे मित्रों, और मांगते हैं मिलता ही नहीं, लालसा करते हैं पाते ही नहीं। तो मेरे मित्रों, पेंतिकुस्त पर आत्मा के उड़ेले जाने के बहुत बाद में ये प्रतिज्ञा अभिलिखित की गई थी। ये आत्मा का युग है, किंतु उसका काम करना हमारे विशिष्ट मांगे जाने पर निर्भर करता है। हम किस प्रकार से मांगते हैं, किस प्रकार से हथियार से लैस होते हैं, इस कारण से परमेश्वर की इच्छा जैसा है उसी प्रकार से हमें मांगना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। आज परमेश्वर के वचन और परमेश्वर में यीशु में बनने के लिए और पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार चलने के लिए हरेक विश्वासी गण को, हरेक अगुआ गण को, हरेक बुलावट को, बुलाए हुए लोगों को, हरेक दान वरदाने भरे हुए लोगों को बुलाया गया है। मेरे मित्रों, हम लोग मसीह होना और मसीह में रहना मजाक की बात नहीं है। हम लोग बहुत बड़ा अंधकार के साथ और मृत्यु के साथ लड़नता में लड़ाई कर रहे हैं। वो है वो आत्मिक सेना के साथ, दुष्टता के साथ, वो शासक के साथ जो आकाश में परिभ्रमण कर रहा है, उसके साथ लड़ रहे हैं। वो लड़ाई न तो बल से हमारा, न तो शक्ति से, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के इच्छा के द्वारा, जो परमेश्वर का विरोधी, जो मसीह विरोधी और हमारा विरोधी, वो न तो लहू से है, न तो मांस से है, ये अंधकार के शासकों से और अंधकार के सेना से, जो आत्मी की सेना से है। वो आत्मी की सेना से लड़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा के आवश्यक, हरेक मसीह भाइयों को, बहनों को, हरेक मसीहगण को आवश्यकता है। मेरे मित्रों, ये मैं विश्वास करता हूँ और मुझे भी आवश्यकता है, और खुरानदार मैं भी परमेश्वर से मांग रहा हूँ, और जितने लोग मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे अगुवाई में चलते हैं, हरेक कलीसिया, हरेक लोगों के लिए मैं, हरेक देश विदेश विश्व के मसीह लोगों के लिए यही हृदय, यही मन, यही अभिषेक परमेश्वर के राज्य आने के लिए मांग रहा हूँ, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा है, वैसे ही हमारे घर परिवार में, इस पृथ्वी में पूरा हो। यीशु के नाम में इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन, हालेलुया।